नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप CSE सेंटर ओपन कर एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। CSE सेंटर ओपन कर आप डिजिटल इंडिया में पार्टिसिपेट भी करते हैं, साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी सर्विसेज जो कि आप नागरिकों तक पहुंचाते हैं और अच्छी खासी अर्निंग वहां से आप कर सकते हैं। और CSE सेंटर आपको कैसे ओपन करना है उस पर मैंने 3 पार्ट बनाए, किस तरह से आप उसमें जरूरत पड़ने वाले TC सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और किस तरह से फाइनली आप CSE सेंटर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपका CSE सेंटर अप्रूव हो जाएगा। मैंने लास्ट में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की हुई हैं। तो अगर आपने वीडियोस ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आप CSE सेंटर ओपन कर सकते हैं, किस तरह CSE का ID पासवर्ड आप ले सकते हैं। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से CSE का ID पासवर्ड मिल जाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और किस तरह से वो सेटिंग्स करना है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इसकी वेबसाइट register.cse.gov.in पर। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहां पर देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई सेक्शन पर आप जाएंगे। अप्लाई सेक्शन में जाने के बाद चेक स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर जो आपने एप्लीकेशन किया हुआ था CSE के लिए तो वहां से आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रिसीव हुआ होगा। उस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से हम फिलहाल चेक करेंगे कि हमारा जो CSE का एप्लीकेशन स्टेटस है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है, वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस नंबर डालकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब आपकी CSE ID यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। यहाँ पर CSE ID डिस्प्ले कर रहा है, इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं और या फिर इसका एक प्रिंटआउट लेकर आप रख लें, इसी ID से आप आगे लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर माय अकाउंट पर आने के बाद आप जो आपको CSE ID रिसीव हुई है वो CSE ID डालकर फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके कैप्चा वैल्यू यहाँ पर आप डालेंगे और यहाँ पर नीचे चेकबॉक्स पर टिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपसे ये बायोमेट्रिक के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जैसा कि मैंने बताया था एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए CSE सेंटर ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर आप टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कैप्चा पर क्लिक करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पर स्कैन किया जाएगा। उसके लिए आप बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें। उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी, कैसे आपको वीडियो डिवाइस इंस्टॉल करना है वो मैं आगे वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद देखिए यह हमारी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स देखिए दी हुई है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका स्टेटस दिखा रहा है कि एक्टिव है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिटेल्स, मतलब आपके जो DM है CSE के, आपके डिस्ट्रिक्ट के DM कौन है, उनकी डिटेल्स यहाँ से आप देखेंगे। अभी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की आप टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं तो आपको DM से कॉन्टैक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के DM यहाँ पर दिखा रहे हैं तो उसी तरह से आप DM यहाँ पर चेक कर लें और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप CSE के पोर्टल से रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोफाइल दी हुई है, KYC अपडेट दिए हुए हैं, मतलब अगर आप किसी तरह का KYC अपडेट करवाना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन डिटेल्स, KYC डॉक्यूमेंट या पर्सनल डिटेल्स या बैंकिंग डिटेल्स, कुछ भी यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं तो KYC अपडेट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं तो उसके लिए हम डैशबोर्ड पर चलते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वैसे तो हमने यहाँ पर डाला हुआ है तो वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एक सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपके CSE सेंटर का सर्टिफिकेट है तो इसको आप प्रिंट कर जरूर अपने CSE सेंटर में डिस्प्ले करें जरूर से, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन के टाइम ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है तो आपकी ID यहाँ पर सस्पेंड भी की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर एक आइडेंटिटी कार्ड भी है, एक ID भी है CSE की, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं उसको। इस ID कार्ड का भी आप प्रिंट लेकर अपने पास हमेशा रखें, चाहे तो उसको आप प्लास्टिक कार्ड में प्रिंट करके भी रख सकते हैं। इस ID को भी इंस्पेक्शन के टाइम पे आपके पास चेक किया जा सकता है। इसके अलावा हम पासवर्ड सेटिंग देख लेते हैं कि आप किस तरह से अपने CSE का जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो डिजीमेल पासवर्ड हो या फिर आपका CSE का लॉगिन पासवर्ड, तो यहाँ पर फिलहाल हम CSE लॉगिन पासवर्ड आपको चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद
ये आपसे पूछ रहा है कि आपको पुराना पासवर्ड पता है, तो यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे क्योंकि हमने नया आईडी क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिया था उस पर आपके पास एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो सजेस्टेड पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा एक नया पासवर्ड जो भी आप चाहते हैं वो क्रिएट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड में आप अपर केस, लोअर केस, एक न्यूमेरिकल और एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर आपको डालना होता है। पासवर्ड बनाने के बाद आप अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल पर और यहाँ पर अपनी CSC आईडी एक बार लॉगिन कर देख लेते हैं। तो लॉगिन बटन पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद जो यूज़र नेम है आपका CSC का उसको डालेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप साइन इन हो जाएंगे CSC पोर्टल पर। कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पर देखिए पेज डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ क्योस डेटा यहाँ पर अपडेट करना है और साथ ही साथ शॉर्ट सर्वे भी यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। क्योस डिटेल्स में आपका एड्रेस, आपकी लोकेशन से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है, जैसे कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट, आपका एरिया कौन सा, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अपने क्योस का कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट लोकेशन यहाँ पर आप डाल देंगे। लोकेशन और एड्रेस आपको डाल देने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट सर्वे भी देना होगा। तो चलिए उस पर भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। शॉर्ट सर्वे में भी आपका ये सब डिटेल्स पूछी जाती हैं कि क्या आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर रेगुलर ट्रांजेक्ट करते हैं, या फिर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है या नहीं है, या फिर आप कोविड के नियमों का अपने सेंटर पर पूर्णतः पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देकर आपको ये सर्वे कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप होम पर आ जाएंगे और यहाँ पर CSC सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो CSC की जो भी सर्विसेज हों, आधार, एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड पेंशन, एजुकेशन, इलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एवं बहुत सारी सर्विसेज जो CSC आपको प्रोवाइड कराता है, वो सारी सर्विसेज आप यहाँ से देख सकते हैं और उस सर्विस का फ़ायदा आप नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। तो हर सर्विस के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होता है। जैसे कि हेल्थ सर्विसेज पर हम आयुष्मान की बात कर लें, आयुष्मान भारत की बात कर लें, आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको CSC पर आयुष्मान भारत के लिए रजिस्टर्ड करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर PMJAY पर आ जाएंगे। PMJAY पर आने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दे देनी है अपनी CSC आईडी को PMJAY पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए। तो सारी डिटेल्स जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और सारी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपका जो यहाँ पर CSC आईडी होगी वो PMJAY पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, सर्विस आईडी, यहाँ पर आपकी CSC आईडी आ चुकी है। अब इसको आप एक दिन या दो दिन बाद लॉगिन करेंगे तो आप आयुष्मान भारत पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे और आयुष्मान कार्ड यहां से आप बना सकते हैं। तो इसी तरह CSC मौजूद सर्विसेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आगे भी मैं इन सभी सर्विसेज जैसे कि आधार सेंटर या फिर रेलवे रिजर्वेशन पर वीडियोस लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।